के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। लोक कल्याणकारी कार्यों का परिणाम कितना हुआ कोई सोचता था? मैं याद है जब देश के अंदर कोरोना की हाट हुई थी, माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्चुअल हम लोगों के साथ जुड़े थे और आपने एक ही बात कही कि देश संकट में है, मानवता संकट में है। हमारे लिए एक ही मंत्र है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, एक ही मंत्र है और वह मंत्र है सेवा ही संगठन है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मुझे याद है कोरोना कालखंड में केवल भाजपा का कार्यकर्ता या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक सड़कों पर जनता जनार्दन की सेवा कर रहा था। अन्य किसी भी दल के किसी भी नेता का कोई अता पता नहीं था, कार्यकर्ताओं की बात तो दूर। आपने देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को मकान दिए, उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के मकान दिए। हमने जो नारा दिया, मोदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास, हमने जाति मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, विकास के कार्यों के लिए भेदभाव नहीं किया। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज भी मिल रहा है, क्या किसी जाति को मिल रहा है, किसी मत विशेष या किसी धर्म विशेष को मिल रहा है? भारतवासी है उसको राशन मिल रहा है। भारत पहला देश जिसने भूख से मौतें नहीं होने दी, बदहाली नहीं होने दी, आत्महत्या नहीं होने दी, किसी गरीब को सड़क पर भूखों से मरने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। लेकिन उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य करता रहा, विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार कोरोना जैसी महामारी से जूझता रहा और सेवा को ही संगठन मान करके कार्य करने का परिणाम रहा कि जिस महामारी के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नतमस्तक हो गई, उसी कोरोना को कहां समाप्त कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में। भारत ने सबसे अच्छा परिणाम देकर के दुनिया के सामने कोविड प्रबंधन की एक नई अनूठी छाप छोड़ी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।